राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान के बीच दोनों खेमे अब मैसेज की राजनीति पर उतर गए हैं। कांग्रेस की सियासत में अब फोक म्यूजिक की भी एंट्री हो गई है। सचिन पायलट के बंगले पर शनिवार को मीणा समाज की महिलाओं ने पहुंचकर उनका स्थानीय गीत संगीत से स्वागत किया। मीणा समाज की महिलाओं ने मीणावाटी के गीत गाकर सचिन पायलट का स्वागत किया। पूर्वी राजस्थान के जिलों से मीणा समाज की महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल ने सचिन पायलट से मुलाकात की। इसके बाद काफी देर तक मीणावाटी के स्थानीय गीत गाकर पायलट का अभिनंदन किया। बदले में पायलट ने भी उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सचिन पायलट के बंगले पर हुई इस संगीत सियासत की खूब चर्चा है। सियासी हलकों में इसे कांग्रेस के ताजा घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत समर्थक रामकेश मीणा ने पायलट पर लगाए थे जाति विशेष की राजनीति के आरोप। पिछले दिनों गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट को बारी बताते हुए उन पर जाति विशेष की राजनीति के आरोप लगाए थे। उन आरोपों के बाद पायलट समर्थक मीणा विधायकों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इस बीच आज मीणा समाज की महिलाओं ने पायलट से मिलकर मीणावाटी गीतों के जरिए पायलट का अभिनंदन करके उन आरोपों को जवाब देने की कवायद से जोड़ कर देखा जा रहा है। पायलट परिवार का पूर्वी राजस्थान से पिछले 41 साल से लगातार जीवन संपर्क और समर्थक वर्ग है। सबसे पहले 1980 में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने भरतपुर से सांसद का चुनाव लड़ा था, तब से ये संपर्क है। भरतपुर के बाद दौसा से राजेश पायलट लगातार चुनाव जीते। राजेश पायलट के सड़क दुर्घटना में निधन के बाद रमा पायलट और फिर सचिन पायलट दौसा से सांसद रहे। पूर्वी राजस्थान से अब भी पायलट परिवार का जीवंत संपर्क है। होर्डिंग के सहारे पायलट का कद बढ़ाने में जुटे समर्थक टोंक शहर के तिराई चौराहों पर बना रहे माहौल। लिखा है पायलट आ रहा है, समर्थक बोले सब उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट के बीच चल रहे राजनीतिक सीट युद्ध के बीच अब पायलट के समर्थक मुकर होने लगे हैं। कोई विधायक खुलकर उनके प्रति राजनीतिक दीवानगी का इजहार कर रहा है तो कोई पायलट को ऊंचा दिखाने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रहा है। बातों ही बातों में उनके समर्थक गहलोत का राजनीतिक कद छोटा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब प्रदेश में पायलट के समर्थक अब उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पोस्टर होर्डिंग का सहारा ले रहे हैं। इनमें साफ लिखा है पायलट जल्द आ रहा है। इसको लेकर बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है। शुक्रवार शाम टोंक शहर के 5 अलग अलग व्यस्तम चौराहों तिराहों पर पायलट के कट्टर समर्थक वे रेल लाउंज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान की ओर से लगवाए गए हैं। इन विशालकाय होर्डिंग्स पर पायलट आ रहा है अंकित किया गया है। पायलट के टोंक या फिर अन्य पड़ोसी जिलों के दौरे में उनका जोरदार स्वागत करने वाले अकबर खान का कहना है कि टोंक के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रदेश के हर कोने से उठ रही इस आवाज के मद्देनजर उन्होंने ये विशालकाय होर्डिंग्स लगवाए हैं। टोंक में पायलट के एक समर्थक अकबर खान ने बताया कि पायलट युवा वर्ग के लिए आदर आदर्श है। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो टोंक सहित प्रदेश के विकास व रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। खान का कहना था कि पायलट के दौरों के समय हर जिले में उमड़ने वाला जन सैलाब इस बात का गवाह है कि अब लोग उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।